स्क्रीन पर आपको जो नज़र आ रहा है ये कबाड़ है, कोई कोई इसे भंगार कहता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही कबाड़ रोजगार का साधन है। हम आए हुए हैं भोपाल में, भोपाल का ये वार्ड नंबर 17 है, न्यू कबाड़ खाना इलाका बताया गया ये, और ये विधानसभा क्षेत्र है उत्तर। आरिफ अकील यहाँ के विधायक है। मैं आशीष, मेरे साथ हैं तरुण, लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा इन एसोसिएशन विद सर्च बाबू आ पहुँची है न्यू कबाड़ खाना। आप भाई साहब, आपका क्या नाम है? आमिर नाम है मेरा। आमिर जी, आमिर जी क्या करते हैं आप यहाँ? गाड़ियाँ चलाते हैं। गाड़ियाँ आपकी खुद की? हाँ, चार गाड़ियाँ। चार गाड़ियाँ, ये कैसी, किस किस्म की हैं? टेम्पो जैसी हैं क्या? टाटा मैजिक लोडिंग है। टाटा मैजिक यहाँ पे खड़ी है क्या, आप दिखा सकते हैं कौन सी? इधर खड़ी है यहाँ पे, ये जो टाटा मैजिक खड़ी है, तो आप इसमें सामान लाते हैं, ये कबाड़ अपना? और कहाँ ले जाते हैं इसको? आलएमपी में जाती है अपनी गाड़ी। अच्छा, यहाँ से? तो ये जो कबाड़ हमको यहाँ आसपास दिख रहा है, ये कहाँ से आता है? भोपाल से आता है? ये भोपाल का, आसपास का सब बाहर से भी आता है। हाँ, तो आप इसको कहाँ ले जाते हैं, किन्हीं मिल फैक्ट्री कहाँ ले जाते हैं? ये अपना मंडीदीप जाता है मिल फैक्ट्री में। अच्छा, मंडीदीप में फिर इस कबाड़ का क्या होता है? भाई ये कट के नई चीज़ें बन जाती हैं, इसको कट के गला के नई चीज़ें बनाती हैं। और आप सब भी गाड़ियों के मालिक हैं? जी हाँ। और गाड़ियाँ चलाते हैं? जी मालिक जी, यहीं से गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं। आप ड्राइवरी करते हैं, कब से कर रहे हैं ये काम? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। आप भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल जमीर है। हाँ जी, आप भी यहाँ गाड़ी चलाते? हाँ, मैं भी यहाँ गाड़ी चलाता हूँ यहीं से, कबाड़ खाने से। यहीं तो धंधा पानी सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। नोटबंदी से, नोटबंदी के बाद कुछ आप बता रहे हैं? नोटबंदी के बाद तो अपना 3-4 महीने तक ठप हो गया था, बिल्कुल काम नहीं चल रहा था। किस किस कारण से? वही नोटबंदी के चक्कर में काम धंधे सब बंद हो गए थे। तो आपका पूरा काम कैश में होता है? जी, कैश में। तो कैश का लेन देन उस समय बंद था? हाँ, तो आपका कुछ पैसा फंसा था? हाँ, फंसा था ना। क्या किया आपने, कैसे उसको निकाला? बस ऐसी बदलने चेंज करके एटीएम वगैरह से, जितने उन्होंने लाइन में लग के परेशान होकर निकाला। अब तो नोटबंदी का असर खत्म हो गया, अब तो धंधा सही चल रहा है? नहीं, अभी भी चुनाव के चक्कर में हुआ है। चुनाव के चक्कर में हो गया, तो चुनाव के चक्कर में क्या असर पड़ा है? यही असर पड़ा धंधों पे कि पूरा अभी मार्केट इतना चल नहीं रहा, अपना चुनाव के बाद ही उठेगा काम धंधा जो भी है। तो मतलब चुनाव का इससे क्या लेना देना, कबाड़ के काम से चुनाव का क्या लेना देना? कबाड़ का नहीं, अपनी गाड़ियों का। अच्छा, गाड़ियों का। गाड़ियाँ किसी दूसरे काम में लगी है या चली नहीं? गाड़ी चली नहीं रही अभी, क्या गाड़ियाँ चलेंगी अपना अगर ये चुनाव हो जाएंगे? अभी लोग चुनावों में लगे हुए हैं सब, अगर चुनाव हो जाएंगे तो फिर गाड़ियाँ चलेंगी अपनी। और जो यहाँ के दुकानदार होंगे वो भी चुनाव में व्यस्त होंगे? सब व्यस्त हैं अभी, बाकी आधी गाड़ियाँ एडवर्टाइज वगैरह कर रही हैं, बाकी उसमें लगी हुई हैं सब। मतलब कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है। तो आप यहाँ के काम से संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तो ठीक है, काम थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है, मतलब के खर्चा पानी तो चल ही रहा है। आपके एक भाई के पीछे गाड़ी आ रही है, उनकी गाड़ी निकल जाने देते हैं। ठीक, तो यहाँ पानी वगैरह की व्यवस्था आपके लिए है? हाँ, पानी वगैरह की व्यवस्था तो भरपूर है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। तो किसकी तरफ से ये व्यवस्था की गई है? गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, माननीय विधायक जी जो हैं हमारे, आरिफ अकील जी, उनकी तरफ से की गई है। उनकी तरफ से की गई है। और शौचालय वगैरह की व्यवस्था? जी है, यहाँ पे है ना, आधा किलोमीटर के अंदर ही है। अच्छा, आधा किलोमीटर, तो उस चीज़ से आप संतुष्ट हैं। अंदर चल के हम थोड़ा दुकान वालों से बात कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पे आपको पाइप्स नज़र आ रही होंगी, और ढेर सारे ये क्या हैं, सिलेंडर जैसा कुछ कुछ नज़र आ रहा है, कुछ तार भी नज़र आ रहे हैं। वो भाई साहब अंदर बैठे हैं, उनसे चल के बात करते हैं। तरुण जी, बच बचा के आइएगा, लोहे की ढेर सारी यहाँ पे बढ़ते हैं, ये कुछ कटिंग वटिंग की मशीनें भी रखी हैं। आइए, हम आप तक आ रहे हैं। भाई साहब, हो गई चाय आपकी? जी साहब, हो गई ना। क्या नाम है आपका? नाम है इमरान अली। इमरान अली जी, ये आप बहुत कागज़ पत्तर, ये तो बड़ा मतलब ये साहब अर्थव्यवस्था एकदम जीडीपी यूडीपी टाइप बहुत ही है, दिख रहा है ये इसको बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी है ये? मैं बैठ जाऊं दुकान पे? अरे आइए, बैठ के बात करते हैं। तो ये जीएसटी के कागज बन रहे हैं? ये जीएसटी का मेंटेन चल रहा है साहब, यहाँ पर जो है महीने का पूरा स्टॉक वगैरह मिलाना रहता है, क्या माल आया अपने पास, क्या गया है, इसके ऊपर अपना जो टैक्स बनता है वो अपन को देना रहता है। तो ये जीएसटी के कागज आपको कितने महीने में बनाने पड़ते हैं? हर महीने रिटर्न जाता है इसका। हर महीने रिटर्न जाता है, तो जितना जितना सामान आएगा सबके बारे में आपको बताना पड़ता है? सबके बारे में मतलब एक जैसे वो होता है ना अपना टर्नओवर। हाँ हाँ हाँ। अपन जैसे जिन जिन पार्टियों से माल लेते हैं उनसे बिल लेना पड़ता है अपन को, अपन अदरवाइज किसी और से माल लेते हैं या फुटकर में माल लेते हैं तो इसका अपन को 18% टैक्स जमा करना होता है। तो जीएसटी तो मतलब एक टैक्स हो गया, तब तो आपको राहत होगी।
राहत तो मतलब जैसे वैसे अच्छी चीज़ है, लेकिन इस चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है, एजुकेशन कोई भी इंसान के लिए। और अपने इधर इंडिया में मतलब एकदम से इतनी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन अभी इस पोजीशन पे है नहीं। अगर अपने पास इस एजुकेशन होती तो अपन कबाड़ी नहीं होते। अच्छा, तो जब ये नहीं था जीएसटी, तब आपका कैसा ये टैक्स वगैरह आप ये सब कैसे दिखाते थे? जब सिंपल था, 5% टैक्स था, मतलब ज़्यादा टैक्स भी नहीं था, तो अखरते भी नहीं था जो। अब कितना टैक्स है? अब 18% टैक्स है, 1,18,000। 1,18,000, तो मतलब ये आपकी कमाई पे इतना टैक्स है? नहीं, ये मतलब जो है अपना, अपन जैसे माल खरीदते हैं किसी से, आसान भाषा में तो किसी भी, मान लीजिए 100 रुपए का यहाँ सामान आया बिकने, ठीक, तो 100 रुपए के साथ टैक्स अपन को जमा करना ही है, 18 रुपए का, मतलब उस 100 रुपए का, या फिर आपने जितने में बेचा उसका टैक्स? बेचने का भी करना है और खरीदने का भी करना है। वो तो अगर जैसे अपन बिना बिल के माल खरीदेंगे, बिना बिल के माल खरीदेंगे तो अपन को UID परचेज दिखाना होगा। अच्छा भाई, अपन को आगे बेचेंगे तो तभी बिकेगा, बिल से ही माल बिकेगा। और अपने पास जैसे बिना बिल का माल खरीदा है अपन ने, तो उसके लिए फिर अपन को UID परचेज दिखाने रहती है, जिसमें स्टॉक का मतलब एक चालान मिलता अपन को CA के पास से, जैसे कि चालान भी है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, CA VA का नाम आ रहा है, ये देखिए कागज पत्तर आ रहा है। तो ये CA पे अभी मुझे इसको 52,200 रुपये अमाउंट जमा करना है, इसमें ये टैक्स वगैरह, टैक्स 51,000, फीस 600 रुपये, टोटल 51,600। तो ये कागज पत्तर बनाने में कितना समय लगता है? ये मतलब पहले दिन भर घूमते रहते थे, अब दिन भर इसी में उलझते हैं। अच्छा, दिन भर इसी में लग जाता है, तो एक महीने में एक दिन लगता होगा या कई कई दिन लगते हैं? नहीं, मतलब महीने में एक दो दिन ऐसा मतलब रहता है, रिटर्न वगैरह जाता है, अपना स्टॉक मिलाना होता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी चीज़ है, बट लेकिन इस चीज़ के लिए हर चीज़ का एक तरीका होता है, तो जैसे फंडा समझना होता है, जो भी मुझको बिल्कुल नहीं आता है। हर चीज़ के लिए एक कोचिंग लेता है इंसान। अपन कंप्यूटर कोई सीख के तो आते नहीं है, क्लास करनी पड़ती है, अपन को कोर्स लेना पड़ता है। तो ये बताइए, कुछ लोग क्या करते हैं कि GST के एकदम विरोध में चले जाते हैं कि GST बहुत ख़राब है, मेरा सवाल सुन लीजिए, तो एकदम GST के बिल्कुल ही विरोध में चल गए, तो आपका क्या ऐसा मानना है कि GST ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर तरीके से हमको भी समझाया जाता और फिर लागू की जाती तो ज़्यादा अच्छा होता? मेन चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन अगर अपन को उस हिसाब की मिल जाए तो, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, और एक बहुत अच्छी चीज़ है GST जो है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें सारी कई लोग खुश होंगे, सारे लफड़ों ठपड़ों से हट के और अपना काम आसान है, लेकिन बस थोड़ी सी इसके अंदर, अगर इसके अंदर कुछ टाइम और मिल जाता कि मतलब पहले से आपको अलर्ट कर दिया जाता कि आने वाले टाइम ऐसा है, उसके लिए आप ये सब कर लें तो इससे ज़्यादा बेहतर होता। इंडिया में मेन चीज़ क्या, अपने इधर कहीं भी 100 में से मतलब 50% मतलब बिना एजुकेशन के लोग हैं। तो मतलब कुल जमा आप ये कहना चाहते हैं कि कबाड़ का काम पहले कोई भी आदमी कर सकता था, लेकिन अब जो है सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई, दिमाग, कंप्यूटर। एक तरह से ये भी कहें कि पढ़ाई ज़रूरी है, हाँ का काम करने के जरूरी लिए है, लेकिन उस हिसाब से इंडिया के अंदर उस हिसाब के लोग तो होना चाहिए। एजुकेशन फ्री कर दो, थोड़ी छूट लेके हम ये कह सकते हैं कि कबाड़ी बनने के लिए भी पढ़ाई की जरूरत होती है, की जरूरत बहुत है अभी है। अच्छा, जी हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? अच्छा, मुझे गुटखा लवा है। अरे बढ़िया, गुटखा लवा है। आप थोड़ा मुझे सामान दिखा दीजिए आपकी दुकान में, ये क्या क्या सामान है दिखाएंगे? दुकान में सारा सामान है ना, आप देख लीजिए सब। देख लोहे का ये आता कहाँ से है? जैसे यहाँ पे दिखाइएगा तरुण जी, ये गोले गोले जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोहे के सामान कहाँ, फैक्ट्रियों से आते हैं? ये सारी फैक्ट्रियों के अपने पास बिल पड़े हुए हैं। हाँ, तो ये सब उनका जो पुराना हो जाता है सामान, वो दे जाते हैं। मतलब ये फैक्ट्रियों का एक टेंडर होता है, टेंडर के अंदर जैसे अपन ने 50 टन माल लिया है, 50 टन माल में से 45 टन माल स्क्रैप हो गया, और 5 टन माल अपन को इस तरीके का लगता है जो कि ये यूज हो सकता है। अच्छा, तो वो अपन यहाँ रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ रख के और वो कुछ और ऊपर रेट पे माल बिक जाता है, तो वो आ जाते होंगे लोग अपना पुराना सामान खोजते हुए। हाँ, तो ये जो दिख रही हैं हमको, चेन वगैरह दिख रही हैं, ये किस फैक्ट्री से आई हैं? मतलब ये किस काम में आती थी बेसिकली? भाई पुराना सामान है, अब वो एक एक दो दो भी जैसे फुटकर माल भी आता है तो अपन तो टांग दे रहते, वो इकट्ठी हो जाती हैं, कहीं का भी है सामान। हाँ, वो नज़र आता रहता है। कुछ ऐसे लोग भी है यहाँ पे ये जो सामान उठाने का काम करते हैं ऐसे? यहाँ तो अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, ये लोग ऑटो वाले हैं सब। अच्छा, ये सब ऑटो वाले हैं, ये काम करने वाले। ये भैया क्या करते हैं, इनसे आइए बात करते हैं।
हमाली करते हैं। आइए भाई साहब थोड़ा सा आगे आ जाइए, तरुण जी बचा बचा के चलना है, बहुत लोहा है। टिटनेस का इंजेक्शन ज़्यादा दर्द करता है चोट से भी ज़्यादा, है ना भाई साहब? क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम नाम है। कितनी उम्र है अजीम जी आपकी? 18। 18 साल है, तो मतलब ये काम करने के लिए आपकी उम्र ठीक है? खतरनाक काम तो नहीं लगता है? नहीं नहीं, नहीं। 18 के हो गए हैं, वोट देंगे इस बार? जी बिल्कुल देंगे। वोटर वाला कार्ड बना है? ठीक ठीक। तो कब से कर रहे हैं ये वाला काम? 5-6 साल। 5-6 साल से, मतलब कि जब बच्चे थे तभी से कर रहे थे? नहीं नहीं, यही 5-6 साल हो गए बस इतनी टाइम। अच्छा, मतलब आप बच्चा नहीं मान रहे हैं, 18 से नीचे को आप बच्चा नहीं मानते हैं। तो आपको कितने पैसे मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, बताएंगे नहीं? अरे बढ़िया, ये बढ़िया है, कितने पैसे मिलेंगे ये नहीं बताएंगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चाचा जी से बात करते हैं। बचा के चाचा, चाचा क्या नाम है? रईस। रईस, हाँ। कितनी उम्र है? वही 1.5 की। 1.5 साल की। 1.5 समथिंग बता रहे हैं, उम्र में समझ नहीं पा रहा हूँ। 60 साल की। अच्छा 60 साल की, सॉरी सॉरी, 60 साल की कह रहे थे, मुझे लगा 1.5 कुछ। तो आप यहाँ क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं ढेला। अच्छा, तो ये क्या सामान उठाने का काम है आपका, किस चीज़ का काम है? मजदूर भाई, ये ढेले में अपने सामान वामान ढोते हैं, जो भी कुछ मिल जाता। कितना पैसा मिलता है? और 100 मिल जाए, 150 मिल जाए। तो क्या आप ऐसे किसी दुकान में लगे हैं कि ऐसे ही आके काम? अपन तो चलती फिरती मजदूरी कर लेते हैं। अच्छा, चलती फिरती, जिसने बुला दिया उसी का सामान उठा दिया। हाँ बस। तो ये ऐसे लोहा लंगड़ वाला सामान दिखता है इसमें, ये देखिए ऐसे तारे वारे निकली रहती है, नुकीला सामान लगता है, ये कभी हाथ पैर में नहीं लगता? अब थोड़ा बहुत कई का लग भी जाता है। लग जाता है, फिर क्या करते हैं? दवा दारू करवा लेते हैं। और क्या दवा दारू? तो जैसे जिन दुकानों में आप सामान उठवा रहे हैं, मान लीजिए ये भैया की दुकान में सामान उठा रहे हैं, ये देखिए गाड़ी निकल रही है, ये वाली जीपें बहुत चलती हैं, ऊपर से खुली वाली, यहाँ है ना? ठीक। तो ये जैसे भैया की दुकान में आप कर रहे हैं काम, यहाँ चोट लगी तो ये इलाज कराते हैं कि आप खुद कराते हैं? अपने तो आज तक लगी नहीं है कोई। अच्छा, लगी ही नहीं? परफेक्शन, हाँ, आमिर खान जैसा परफेक्शन है भाई साहब। ठीक ठीक ठीक। और लग जाती है तो वो अपने समझ भी लेते हैं दुकान वाले। अच्छा, देख समझ लेते हैं, हाँ, मतलब चलो दया धर्म है ना? हाँ। तो लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में इलेक्शन की कवरेज करते करते हम पहुँचे इस न्यू कबाड़ खाना इलाके में। हमने यहाँ कुछ दुकान वालों से बात की, कुछ ऑटो वालों से बात की, और कुछ ऐसे लोगों से बात की जो यहाँ कबाड़ उठाने का काम करते हैं। लोगों ने बताया कि उनको GST से थोड़ी परेशानी हुई, पर मुख्य बात ये थी शिक्षा, कबाड़ी का काम भी करना है तो एजुकेशन ज़रूरी है। चलो GST ने एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि उल्टी तरफ से कान पकड़ के एजुकेशन के लिए लोगों को मजबूर किया है। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा जारी रहेगी। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा एंड्रॉयड ऐप आ गया है उसे भी इंस्टॉल करें। धन्यवाद।